слышно вас. А! स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएसटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई कैमरे पर अपने भाई अशोक है। और आज कहां पर खड़ा हूं यार, मैं आज की जो लोकेशन दिखाऊंगा ना आपको, कसम से मेरे को पता नहीं है क्या होगा देखने वालों के साथ में। एक्चुअल में मेरे साथ में क्या हो रहा है मैं खुद जानता हूँ, अशोक भाई के साथ में क्या हो रहा है अशोक भाई जानते हैं। आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, अशोक भाई एक बार लोकेशन दिखाओ सामने की तरफ फुल लाइट करके भाई। अभी ढंग से लोकेशन समझ में नहीं आई होगी आपके, थोड़ा सा नजदीक जाऊंगा मैं अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बाकी जो टाइटल है ना उससे समझ गए होंगे आप, मोस्ट हॉन्टेड ट्री। एक ऐसा पेड़ जहां पर एक नहीं हजारों आत्माएं रहती है यार। आत्माओं का मतलब आप समझते हो भूत प्रेत शालिनी डाकिनी चुड़ैल डायन पिशाचिनी एक्स वाई जेड सब यार। और एक नहीं हजारों लोगों के साथ में वहां पर इंसिडेंट हुए हैं। मैं लिटरली ये बात बोलना चाहता हूं कि यार वहां पर अगर मैं पहुंच पाया, अगर मैं शूट कर पाया तो आपको दिखाऊंगा, वरना इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा। सबसे बड़ी बात एक और चीज, पैंथर का खतरा, तेंदुए का खतरा, पैंथर का खतरा यहां पर 100%। मतलब यार दिन को भी आवाज किसकी है भाई, क्या था है? कौन है मान के चलो आप अभी मेरे में कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं कौन है, पर जो डर है ना वो यहां पर है। और जो मेरे घूस बम्स हो रहे रोंगटे खड़े हो रखे हैं ना, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार डर कितना है। ठीक है, आज दोनों भाई है ना तो केवल और केवल आपके खातिर, आपके प्यार के खातिर, आपके सपोर्ट के खातिर। तो इसी के साथ में कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर। इसी के साथ में बताते हैं आपको टाइम। ठीक है, पहली बात एक मिनट अशोक भाई नेटवर्क आ रहा है यार, नेटवर्क आ रहा है, इसका मतलब गूगल टाइम शो हो जाएगा, गूगल टाइम इंडिया, गूगल टाइम इंडिया। एक मिनट, नहीं भाई नेटवर्क नहीं है दोस्तों, मैं समझ चाहूंगा कि नेटवर्क नहीं है। ठीक है, एक बार फोकस करो, फ्लाइट मोड के अंदर डाल रखा है मैंने, फ्लाइट मोड ऑन किया। वैसे तो 1:31 हो रहे हैं रात के, ठीक है, फिर भी मैं गूगल टाइम दिखाने की कोशिश करता हूँ। आजो भाई आजो आजो आजो, 1:31 हो रहे हैं रात के गूगल टाइम इंडिया। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया भाई, रात को 1:30 ऐसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब चलते हैं लोकेशन की तरफ, लोकेशन दिखाता हूं यहां से, मैं 100 मीटर दूर हूं लोकेशन से। जिसने भी अभी तक अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले यार, बहुत थकान हो चुकी है, बहुत दूर से मैं आया हूं इस लोकेशन के लिए। गाड़ी खड़ी है 2 किलोमीटर दूर, अगर यहां पर मेरे साथ में कुछ भी होता है ना, बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई बैकअप टीम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आज वीडियो कितनी लंबी हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, पर मैं शूट करके ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए।
दोनों भाई ने सोचा है, अशोक भाई को बहुत कन्विंस किया है मैंने यार। अशोक भाई बोल रहे थे भाई ऐसी तो हवा चल रही है, देखो हवा चल रही है बहुत ही डरावनी सी, और मतलब एक सरसराहट की आवाज भी आती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, हर बार रोंगटे खड़े। इसका मतलब पीछे तो नहीं हट सकते ना, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें यार वीडियो को, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो। इसी के साथ में चलते हैं लोकेशन की तरफ, वो पेड़ दिखाता हूँ आपको जहां पर हजारों आत्माओं का वास है। आ जाओ भाई, ये एक वायर मिला है तार लोहे का, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट पैरों के बीच में आया था मेरे, बस मैं इसको हाथ में रखूंगा यार, अब जो भी हो, ठीक है। लाइट फुल करके एक बार लोकेशन दिखाओ इस पेड़ की। पीछे पीछे तो पीछे तो कोई ऊपर है क्या इसके? एक मिनट, मेरे को अंदाजा नहीं था मधुमक्खी आ जाएगी। बड़ी वाली मधुमक्खी आ चुकी है लाइट के सामने, ठीक है। और यार मेरे को एक नहीं दो है सॉरी, दो आ गई क्या? लाइट डाउन फुल मत करो फुल मधुमक्खी यही है, लाइट को डाउन करो। दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा कि लाइट कम करनी पड़ रही है, मधुमक्खी आ चुकी है। सबसे पहली रुकावट मेरी ये है कि मैं इस पेड़ के पास में नहीं जा सकता, मधुमक्खियां आ चुकी है यार। कुछ भी समझो इस चीज को, ठीक है, मेरा डर समझो चाहे और कुछ, पर मैं नहीं चाहता कि यहां पर मधुमक्खियां हमारे को काट ले, हम जाने के लायक नहीं रहे। अच्छा भाई चलने की आवाज आ रही किसी की? एक बार लाइट फुल करके ऑन करो, जल्दी करो सुबह, जल्दी करो। एक बार जस्ट इसके पास में चलकर दूर आएंगे, दूर से कैप्चर करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसके पास में जाएं और मधुमक्खियां हम पर अटैक करें यार, ठीक है। हे मेरी माँ, फुल लाइट कर लो सो भाई, एक बार फुल लाइट कर लो। दोस्तों आपके सामने लोकेशन, हे बजरंगबली रक्षा करना। भाई सामने लग रहा कुछ बैठा है, पीछे तो क्या है वो दिख रहा है? बस ठीक है, कैप्चर का हो गया? हाँ ठीक है, बस पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में। ठीक है पीछे आराम से भाई, रिस्क नहीं ले सकते ध्यान से। हाँ बस मुझे पता है आप यहाँ पर हो, ये आपकी जगह है, आप यहाँ पर रहो। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस एक चैलेंज मिला था वो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। इसके अलावा मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है यहां पर आने का। मैं माफी चाहता हूं इतनी रात को आकर मैंने आपको परेशान किया, भाई रोने की आवाज आ रही है। दोस्तों क्लियरली सुन पा रहे हो रोने की आवाज? भाई मैं हिल नहीं सकता मधुमक्खियों की वजह से, हल्का धीरे धीरे पीछे तो लाइट डाउन कर रहा हूँ लाइट को बंद कर दो आराम से, धीरे धीरे पीछे तो धीरे धीरे एक मिनट
लाइट तो हल्की हल्की लाइट करो अशोक भाई, हल्की लाइट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मधुमक्खियों की, मैं पीछे हट चुका हूँ यार। ठीक है यार, जैसे भी वीडियो शूट हो रही है ना, मैं चैनल पे अपलोड करूंगा और शेयर करनी है यार वीडियो को। ठीक है, इतनी रिस्क कोई नहीं लेता भाई आपके लिए। अशोक भाई एक बार फुल लाइट करो वापस, मधुमक्खियां रुक चुकी है वहीं पर। ठीक है, एक मधुमक्खी आपके पास में आएगी अशोक भाई, आ गई। हाँ है ना, पीछे तो अशोक भाई दूसरी मधुमक्खी आने वाली है। आ गई ना। हाँ। पीछे तो पीछे तो आराम से धीरे धीरे, अपन परेशान नहीं करेंगे इनको, मैं परेशान नहीं करना चाहता यार। अशोक भाई उस तरफ करो, गुर्राने की आवाज है इस तरफ। हाँ इस तरफ, मैं दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, भूत प्रेतों से मरना पसंद नहीं करूंगा। तो भाई जानवरों से मरना पसंद नहीं करूंगा, फैमिली सबके है यार, इतनी रिस्क कोई नहीं लेता। ऊपर कुछ है क्या? ऊपर एक रूम बना हुआ है, अब वो पता नहीं, मैं नहीं जा सकता अशोक भाई, मैं ना तो आपको बोलूंगा यार कि आप वहां पर जाओ, ना मैं जाऊंगा, ना आपको लेके जाऊंगा मैं। कोशिश करेगा? नहीं भाई, रिस्क नहीं लेते यार। ठीक है, मान लो कि वहां पर पैंथर घात लगाकर बैठा हो, फिर क्या कर लेंगे, नीचे नहीं आ सकते। यहां पर भी आ जाए ना, अभी दोस्तों सामने भी आ जाए ना, हम भग नहीं पाएंगे, 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी है यार, चाबी 2 किलोमीटर दूर। एक बार केवल जो चीज उस पेड़ के नीचे कैप्चर करी है आपके सामने है, कमेंट करके बताना वो चीज क्या है, मैं वापस नहीं जाऊंगा उसके सामने यार, मधुमक्खियों का डर है, रिस्क नहीं लेना चाहते इतनी। ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत ही ज्यादा लेता हूं वैसे भी मैं, जितना प्यार नहीं मिलता यार आप लोगों का। आगे कुछ बोलने की इच्छा खत्म हो गई यार, तो बस भाई कुछ तो है। अशोक भाई अलर्ट हो जाओ, बस 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 बस, भाई इनसे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पीछे बस दिल को तसल्ली के लिए, फायदा नहीं होगा मेरे को भी पता है भाई, दिल की तसल्ली के लिए। पीछे तो पीछे तो दोस्तों यहां से मैं कैमरा बंद करने वाला हूँ, यहां से मैं निकलने वाला हूँ भाई। ऊपर कोई चीज गई है उड़ती उड़ती, कसम से मैंने देखा है ऊपर से कोई चीज गई है उड़ती उड़ती। पीछे हट जाते हैं, कैमरा बंद करो। ठीक है भाई, कैमरा बंद करो।